केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ चार धाम और पंच केदार में से भी एक है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। केदारनाथ धाम और मंदिर तीन तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ है 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,000 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। केदारनाथ मंदिर न सिर्फ तीन पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी, इन नदियों में से कुछ का अस्तित्व अब नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। केदारनाथ मंदिर के किनारे में केदारेश्वर धाम स्थित है। थुई शैली से बने केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मजेय ने करवाया था, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। केदारनाथ के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण ही होते हैं। केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग की स्थापना इस प्रकार हुई। हिमालय के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव परिवार वालों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वो भगवान शंकर का आशीर्वाद चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर पांडवों पर गुस्सा थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर भगवान शंकर पांडवों को वहां नहीं मिले। वे उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह वहां से अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ में जा बसे। पांडव भी लगन के पक्के थे, वे उनका पीछा करते करते केदारनाथ ही पहुंच गए। भगवान शंकर ने बैल रूप धारण करके अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया कि भगवान शंकर इन पशुओं के झुंड में ही उपस्थित हैं। तभी भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी जो बैल का रूप धारण किए हुए थे, वो पैर के नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तब भीम पूरी ताकत से बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर ध्यान करने लगा। तब भीम ने बैल का पिछला भाग पकड़ लिया और भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड रूप में केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। इसीलिए केदारनाथ धाम में शिव जी को अत्यंत पूजा जाता है। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति बौछार को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करना ना भूलें।